आज उत्तर पूर्व में सातों राज्यों में हमारी सरकारें हैं, एनडीए की, बीजेपी लेड एनडीए की वहां पर सरकारें हैं। कई दशकों बाद देश में सबसे ज्यादा लोकसभा जीतने वाली पार्टी आज ये भारतीय जनता पार्टी बन गई है। एक के बाद दूसरे चुनाव में हमारा जनाधार बढ़ता ही गया और पार्टी देश के उन हिस्सों पर फैली जहां इसके पहले उसका कोई नाम लेने वाला भी नहीं था। मित्रों, मैं मानता हूं कि महात्मा गांधी के बाद इस देश के जनमानस की मनोदशा समझने वाला, इस देश के जनमानस की मनोदशा को बूझने वाला यदि कोई इकलौता नेता है, उसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। यह कहने में भी मुझे रंचमात्र संकोच नहीं है, इसलिए वे जनता से सीधे जुड़ते हैं, वे जनता को समझते हैं और जनता उन पर भरोसा करती है। देश की नब्ज को भलीभांति समझना ही उनकी सांगठनिक कौशल की यह आत्मा है। और मित्रों, उनकी इस बेजोड़ उपलब्धि के कारण क्या थे, कैसे मोदी जी ने जन भावनाओं को समझने का विज्ञान विकसित किया, पार्टी के विस्तार के लिए उनके प्रयोग क्या थे और विस्तार के परंपरागत तरीकों में उन्होंने क्या बदलाव किए, द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी, हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म द पार्टी, इस किताब से इन रहस्यों से पर्दा उठ जाता है। उदाहरणों के साथ तथ्य रखे गए हैं इस पुस्तक में। किताब के मुताबिक मोदी जी ने संगठन को व्यापक और विराट बनाने के लिए तीन तरीके अपनाए हैं। एक, परंपरागत प्रचारकों और कार्यकर्ताओं के साथ, और दूसरा, स्थानीय महत्वपूर्ण लोग जो पार्टी के बाहर थे पर जिनका उनके इलाके पर अपना प्रभाव था, और तीसरा, एक बार जो उनके साथ संवाद में आ जाते उन्हें वह अपने विचार और कार्यक्रमों से वह प्रभावित करते थे।